वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पूजा अर्चना कर भोपाल के माता मंदिर स्थित प्लैटिनम प्लाजा में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे आप लोगों ने मुस्तैदी के साथ मेहनत कर पीसी शर्मा को जिताया है, वैसे ही आप लोग मुझे भी भारी मतों से जिताएं। इस मौके पर प्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेसी पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीसी शर्मा जी को आपने जिस बहुमत से जिताया और यही हमारे ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ था, उसी के साथ हमें यह चुनाव लड़ना है और मुझे विश्वास है कि जिस मुस्तैदी के साथ, एक पतअपली के साथ आपने भाई पीसी शर्मा जी को जिताया, उसी तरह आप मुझे भी 12 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये आप लोगों का चुनाव है। 8 बार भाजपा जीती है, अगर इस बार हम लोग नहीं जीते तो हमें आप समझ सकते हैं कि इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के लिए ये चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है। आप सबसे प्रार्थना है, जिस जीजान के साथ आपने पीसी शर्मा जी के नेतृत्व चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से हमें अब लड़ना है।